ओम शांति। 16/10/2021 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिकरातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। प्रश्न: जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर: शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ भी बोलेंगे उसे वह फौरन मान लेंगे। जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजयमाला में आना। गीत: ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सालिग्रामो प्रति शिव भगवान उवाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ आत्मा समझकर बैठना है। सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझते हो। आत्मा क्या है यह नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जानेंगे? बाप द्वारा ही तुमको आत्मा की समझानी मिलती है कि मूल क्या चीज है। मनुष्यों को कुछ भी पता ना होने के कारण कितना दुखी है। तुम बच्चे जानते हो इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। जैसे आम का बीज है, वह चैतन्य होता तो समझाता कि हम बीज हैं, हमसे यह झाड़ ऐसे निकला। परंतु वह है जड़, चैतन्य झाड़ एक ही है। शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का तुमको ज्ञान मिला हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हो। बाप कहते हैं, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज सतचित आनंद स्वरूप हूँ। मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह निराकार के लिए महिमा है। तुम जानते हो बाप की यह महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो बाप की महिमा को बिल्कुल ही नहीं जानते। भल यह लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं, उन्हों को भी यह नॉलेज नहीं है। यह ड्रामा का ज्ञान तुमको है, यह ड्रामा का ज्ञान तुमको मिला है। तुम जानते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। फिर देवता बनेंगे तो यह ज्ञान रहेगा नहीं। वंडर है ना, तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाकी ना शूद्र वर्ण को ना देवता वर्ण को यह ज्ञान है। ऐसे नहीं कि ज्ञान परंपरा चलता है, जैसे त्योहारों के लिए कहते परंपरा से चलते आए हैं। अभी तुम समझते हो सतयुग में तो इन त्योहारों को कोई जानते ही नहीं। वहां कुछ भी याद नहीं रहेगा, वहां तो राज्य करते हैं। तुम्हारे एक की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर को तुम जानते हो। तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज को जो नहीं जानते हैं वह है बेसमझ। तुम भी बेसमझ थे, अब देवता बन रहे हो। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी उनको अपार खुशी होगी। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जो यह नॉलेज समझ सके। गॉडफादर को ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किसकी है? सभी वेदों शास्त्रों सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज उसको है। शास्त्रों में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि कहते आए हैं, हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। समझाने वाला एक ही है तो और कोई जानेंगे कैसे? यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के कोई दे ना सके। तुमको देने वाला फिर है बाप। वह कितना बड़ा नॉलेजफुल है, कितना तुम मर्तबा पाते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप की संतान हैं। ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। जो आत्मा तमोप्रधान बनी है वह बाप को याद करते करते सतोप्रधान बन जाएगी। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई की तमो से रजो बुद्धि बनी होगी, कोई की रजो से तमो सतो बनी होगी।
कोई की तमो से रजो बुद्धि बनी होगी, कोई की रजो से सतो बनी होगी। अभी सतो प्रधान बुद्धि किसकी है नहीं। सतो प्रधान जब बन जाएगी तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो नई दुनिया चाहिए राज्य करने के लिए। यह यज्ञ जब पूरा होता है तब इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहूति पड़ जाती है, फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम यह इम्तिहान पास कर फिर उस क्लास में ट्रांसफर होंगे, तुम्हारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी तो इस मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो अमरपुरी में चले जाएंगे। तुम जानते हो अभी यहाँ से ट्रांसफर होने का है, पवित्र होकर अमरलोक में चले जाएंगे। असल हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर पाठ बजाते बजाते अमरलोक से मृत्यु लोक में आकर पहुंचे हैं। तो यह सारी नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी, सिवाय नॉलेज के और कुछ सूझेगा ही नहीं। अभी हम पढ़कर नई दुनिया के मालिक बनेंगे यह भी समझाना चाहिए। यहाँ है ही पतित, देवता तो कोई है नहीं, मनुष्य से देवता कौन बनाएगा, बाप ही बना सकते हैं। अभी तुम समझा सकते हो बरोबर स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसकी स्थापना किसने की। हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया जहां देवी देवता राज्य करेंगे तो और कोई धर्म नहीं होगा। यह बड़ा बेहद का नाटक है। तुम चैतन्य हो ना, जानते हो इस झाड़ का बीज ऊपर में है, बाप भी इप्रेसिबल अविनाशी है, तुम भी इप्रेसिबल हो। अभी सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया है। इस समय का सब मनुष्य कांटे मिसल बन गए हैं, कांटों का जंगल है ना, सब एक दो को दुख देने वाले हैं। बाप ही बागवान है, उनको खेवैया भी कहते हैं। तुम भी बोट चलाने सीख रहे हो, हर एक की नैया पार कैसे हो सो तुमको बैठ समझाते हैं। नैया कोई शरीर नहीं है, नैया आत्मा और शरीर दो चीज की बनी हुई है। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। अभी आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है, अब पार कैसे हूं और कहां जाएं। अभी तुम मूल वतन सूक्ष्म वतन सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राजों को जान गए हो, फिर भी बुद्धि में यह क्यों नहीं रहता, तुम भूल क्यों जाते हो। सदैव बुद्धि में यह टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे, फिकर से फारिग हो जाएंगे। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है हमको ले जाने, जो नॉलेज बाप में है वह हमको दे रहे हैं। यह है बिल्कुल नई बातें जो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकते, निराकार बाप साकार द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इस शरीर के द्वारा सुनते हो। तो बाप तुम बच्चों को भी आप समान बनाते हैं, जो बाप की महिमा वह तुम्हारी भी होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं हम जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम जन्म मरण में आते हो। तुम मुझे कहते हो ज्ञान का सागर सुख का सागर, तो जरूर मैं तुमको ज्ञान दूंगा कल्प कल्प देता हूँ। तुम समझ गए हो बरोबर 84 का चक्र खाए अभी हम अंत में हैं, फिर बाप हमको पहला नंबर में ले जाते हैं। यह नॉलेज है ना, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, जो जितना जितना पढ़ता है उनकी इनकम वैसी होती है। यह नॉलेज भी है धंधा भी है, तुम कूड़ा कचड़ा देते हो बाबा को। जब कोई मरता है तो करीनी घोर को देते हैं ना, यहाँ तुमको जीते जी देना है। वास्तव में बात अभी की है, बाप कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा वह अंत में याद आएगा। जैसे कोई साहूकार आदमी है वह ज्ञान नहीं लेंगे, उनकी साहूकारी भी एक जन्म के लिए है ना, शरीर तो छोड़ ही देंगे, पता नहीं कर्मों अनुसार कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो जानते हो हम अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रारब्ध पाएंगे। इस समय है सब जिस्मानी सर्विस करने वाले, रूहानी सर्विस को कोई जानते ही नहीं। सुप्रीम रूह आकर तुमको नॉलेज समझाते हैं, वह है सुख का सागर, दुख हरता सुख करता। उनकी शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु बुद्धि में नहीं आता है,
अभी तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है कि बाबा हमको फिर 5000 वर्ष बाद आकर सुनाएंगे। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा तो कलयुग में फिर कहां से आएगा? दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं, यह कौन थे, इन्हों को यह राज्य किसने दिया, यह कर्मों का फल है ना। बाप बैठ, अभी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। भगवान वाच है ना, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वहां मनुष्य थोड़े होते हैं, बाकी सब जरूर मुक्ति को पाते होंगे। महाभारत लड़ाई भी लिखी हुई है, बहुत आफतें आएंगी, नेचुरल कैलमिटीज आएगी, पुरानी दुनिया खत्म होगी। यह वही बॉम्ब्स मिसाइल है, यह वही विनाश का समय है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे विनाश ज्वाला निकली। भगवान यज्ञ रचते हैं सुख शांति के लिए, बाकी दुख अशांति का जरूर विनाश होना चाहिए। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी, यह बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। हम ब्राह्मण हैं, इस शिव बाबा के यज्ञ में हम ब्राह्मण सर्वेंट हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण। तुम बच्चों को बाप जो मुख से कहे वह मानना चाहिए, श्रीमत पर ही हमको चलना है, यह भी तुम जानते हो। श्री श्री शिव बाबा की मत पर हम श्रेष्ठ बनकर माला के दाने बनेंगे। माला के दाने कहा जाता सिजरे को, सिजरा होता है फिर वह बढ़ता जाता है। बाबा ने खुद सिजरा बनाया है, यह भी सिजरा है। ऊपर में है निराकारी शिव बाबा, फिर है आत्माएं, निराकारी सिजरा फिर साकारी होता है। पहले पहले नंबर में है प्रजापिता, वह जिस्मानी वह रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, कहते भी हैं पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ, प्रलय तो कभी होती नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, पुरानी दुनिया सो फिर नई बनती है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए, यह बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। हद का वर्षा होते भी बेहद के बाप को याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, जब कोई मरते हैं तो कहते गॉड फादर को याद करो, तो दो फादर सिद्ध होते हैं ना, सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। आत्मा ही पुकारती है, हे दुखहरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ, हमको घर जाने के लिए गाइड करो। हमको घर याद है परंतु जा नहीं सकते क्योंकि माया ने पंख तोड़ डाले हैं, कोई घर वापस जा नहीं सकते। अभी तुमको अपनी ज्योत को आप ही जगाना है। बाप को याद करने से घृत पड़ जाएगा, ज्योत एकदम बुझ नहीं सकती। कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं, खास वहां एक मुकर्रर रखते हैं कि इसमें घृत डालते जाओ, नहीं तो अंधियारा हो जाए। अभी तो तुमको योग बल से घृत डालना है, तो घोर अंधियारे से सोझरा दीपमाला हो जाएगी। दीपमाला सतयुग में होगी, यहाँ नहीं। उत्सव जो भी मनाए जाते हैं उनका भी रहस्य तुमने समझा है, वह तो कुछ भी समझते नहीं, फिर भी समझाया जाता है यह राखी आदि है पवित्रता में रहने के लिए। मनुष्यों को ज्ञान का इंजेक्शन ऐसी युक्ति से लगाना चाहिए जो फील करें कि बरोबर हम तो भ्रष्टाचारी हैं, श्रेष्टाचारी बाप ही बनाते हैं। बाप कहते हैं मन मना भव, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति से तीर लगाना चाहिए, बात करने की ताकत चाहिए। अभी तुम सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति पाए माया पर जीत पाते हो, फिर तुम्हें राज्य भाग्य मिल सकता है, सिवाय बाप के और कोई जीत पहना ना सके। बाप कहते हैं देखो बच्चे, तुमको क्या से क्या बनाता हूं। अब ऐसे बाप को निरंतर याद जरूर करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी, जैसा चिंतन किया जाता है वैसा बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम भी बन जाएंगे, याद से विकर्म भी विनाश होंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी भी हैं, वहाँ कितनी बड़ी आयु होती है।
योगेश्वर कृष्ण को नहीं कहेंगे, योगेश्वर तुम हो, ईश्वर तुमको योग सिखा रहे हैं। यह राजयोग है, योग लगाकर तुम राज्य भाग्य पाते हो। ईश्वर तुमको योग सिखाए राजाई का वर्षा देते हैं। तुमको राज्य किसने दिया? बाप ने। बाप कहते हैं अल्प को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो तो पाप कटते जाएंगे। यह तो बहुत सहज है, तुम्हारी बुद्धि में कितना ज्ञान है। भगवान के बच्चे मास्टर गॉड ठहरे, बाप के पास बैठ थोड़े ही जाना है, हमको तो पाठ बजाना है, इसमें देही अभिमानी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदैव मंथन करना है, युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है। दूसरा, अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन एक बाप को याद करना है। वरदान, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी, आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। स्लोगन, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि।